मेरा नाम बकुल अहमद है, मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ, मेरा ताल्लुक सखर से है। फाइन आर्ट का शौक़ मेरे को बचपन से था। पहले तो बचपन में हम मिट्टी पे काम करते थे, ये मेरा फाइन आर्ट एज अ टीचर था। मैंने इसको ही कंटिन्यू किया, अभी भी इसको जारी कर रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन सिंध यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट से किया। मेरा ताल्लुक सखर से एक कच्चे के इलाके से है। उधर जो मैंने काम किया स्टार्ट अपना फ्लड से, तो उधर तो फ्लड आती रहती है हमारे गांव में, बचपन से देखते आ रहे हैं ये फ्लड का सीन। तो इसी वजह से मैंने कहा तो कोई इसको ही कंटिन्यू कर दूं, अपने आर्ट के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुँचाऊँ। पहले तो मैंने चारकोल पे काम किया, मेरा थीसिस वर्क था चारकोल मीडियम, तो उस पर काम किया। फिर मैंने इसको भी कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक किया, फिर मैंने कहा कुछ मीडियम चेंज कर लूँ अपना। फिर मैं आया अभी बॉल पेन पे आया हूँ, तो उस पर काम कर रहा हूँ अभी तक। मेरी जो अभी प्रैक्टिस चल रही है सर संदीप कुमार आर्टिस्ट हैं, एटेलियर स्टूडियो, उस पर काम कर रहा हूँ। तो मेरी जो रूटीन है तो अभी मैं सुबह से आता हूँ 8 बजे, कोई रात को 7 बजे जाता हूँ। इधर स्टूडेंट वगैरह आते हैं एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, लेकिन मैं आता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, तो इसी वजह से मैं अपना काम करता हूँ। मेरे को सर ने इस पर दिया हुआ है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी पेंटिंग जो थी कुछ 3-4 पेंटिंग थी, किसी ने ट्विटर पे लगाई तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स दिया उन पे ना, तो मेरी और भी ज़्यादा हौसला अफजाई लोगों ने की। मुख्तलिफ चैनल की तरफ से मेरे को पेंटिंग के बारे में अप्रिशिएट किया गया। एक बात यह भी है, जब आप मेहनत करते हैं तो उससे आपको अपना अजर मिलता है। फाइन आर्ट का शौक़ मुझे बचपन से था, इस शौक़ को फॉलो करते हुए मैंने इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ किया। लाइफ में तो काफ़ी मुश्किलें आती रहती हैं, मगर हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरी कहानी में भी काफ़ी मुश्किलात आए, मुझे सखर से कराची शिफ्ट होना पड़ा, मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मेहनत जारी रखी। फ्यूचर में मैं मुख्तलिफ मीडियम में काम करना चाहता हूँ, जैसे ऑयल पेंट हो गए, उसके अलावा फाइन आर्ट एकेडमी भी बनाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को ट्रेन कर सकूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ HDL, PSL और किंडम वैली का, जिन्होंने मेरा मैसेज लोगों तक पहुँचाया।